सोमवार सुबह करीब 4 बजे अंबाला से सरका घाट आ रही एक कार राधास्वामी भवन के समीप धुरखड़ी नाले के पास अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। हादसे के दौरान कार में 2 लोग सवार थे। कार चालक प्रवीण कुमार पुत्र कुलदीप निवासी बागचम्यार समेरन सरका घाट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति किरण कुमार पुत्र बलबीर निवासी बागचम्यार मसेरन सरका घाट को मामूली चोटें आई है। हादसे का पता चलने पर ग्रामीणों ने पुलिस व 108 एम्बुलेंस को घटना की सूचना दी। एम्बुलेंस के माध्यम से घायल को बलद्वाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। कल हटली थाना के क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ था, 2 लोग उसमें सवार थे। जो ड्राइवर हैं उनकी मौके पर मृत्यु हो गई थी, वो ब्रॉट डेड टू द हॉस्पिटल, और जो उनके साथ सवार थे उनका इलाज करवाया गया है और बाकी इस केस में जांच अभी जारी है।